हेलो बच्चों, लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट वी हैव टू डिस्क्राइब द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल एंड इंफ्रासीलियरी सिस्टम ऑफ पैरामीशियम. सो द की कंसेप्ट दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इट इज अबाउट एंड इंफ्रासीलियरी सिस्टम कि हाउ एंड वेयर द सीलिया इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम. तो जब भी बात करेंगे हम पैरामीशियम की, तो वी नो दैट इन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम, दिस इज अ बॉडी ऑफ पैरामीशियम दैट इज सराउंडेड ऑल ओवर द बॉडी बाय सीलिया. सीलिया इज अटैच्ड एंड देयर इज अ टफ्ट ऑफ सीलिया ओवर हियर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता है कि यहाँ पे कुछ बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बॉटल शेप स्ट्रक्चर, राइट. सो हम इसे लेबलिंग करेंगे इसकी. दिस इज सीलिया, दिस रीजन इज पेलिकल एंड ओवरऑल द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द आउटर पेरिफेरल रीजन इट इज टर्म्ड एज ectoplasm, ectoplasm, and the inward it is called as endoplasm, right? अब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी जब भी करते हैं पेलिकल की या इंफ्रासीलरी की, तो हमें देखने को मिलता है कि पेलिकल एक पेलिकल इज डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन थिन इलास्टिक स्ट्रक्चर, राइट. तो पेलिकल का मेन फंक्शन ये होता है कि ये पैरामीशियम की बॉडी की शेप को मेंटेन करता है, उसके साथ ही साथ उसकी बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्शंस है ड्यूरिंग द परस्यूट ऑफ लोकोमोशन वो कैरी आउट हो सके. अब हम पढ़ेंगे कि इंफ्रासीलरी स्ट्रक्चर क्या है. सो बेसिकली इंफ्रासीलरी की बात करें तो पेलिकल्स जो होते हैं वो एल्वियोलाई फॉर्म करते हैं, हेक्सागोनल डिप्रेशंस को फॉर्म करते हैं जहां से हमारी सीलियरी रीजन ओरिजिनेट करती है, राइट. दिस इज एल्वियोलर रीजन. तो एल्वियोलर रीजन भी जो है इनमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइट. इट कंप्राइजेस ऑफ टू, इट इज डबली डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर एल्वियोलर रीजन, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम जब बात करेंगे इंफ्रासीलरी, यानी कि हम बहुत डीप में इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे पेलिकल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, पेलिकल क्या है एग्जैक्टली, कहाँ से सीलिया ओरिजिनेट कर रहा है, तो उसकी जब भी हम स्टडी करते हैं वी सी दैट देर आर सर्टेन काइनेटोडेस्मा एंड काइनेटोजोम जिसके हेल्प से यहाँ सीलिया ओरिजिनेट कर पाते हैं. The origination of cilia is seen. After that, हमें देखने को मिलता है कि between these two alveoli, we see कि there is an opening of a bottle-shaped cell. और इनको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, right? ट्राइकोसिस्ट का मेन फंक्शन ये होता है कि it is an organ of offense. एंड डिफेंस, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, विल बी स्टडिंग अबाउट इट. नाउ जहां से ये सीलिया ओरिजिनेट कर रहा है, राइट, दिस स्पेस लेफ्ट बिटवीन, इसको हम कहते हैं सर्कम सीलियरी स्पेस. उसके अलावा जो नीचे जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज काइनेटोजोम, राइट. काइनेटोजोम Having 9+2 arrangement, जो कि फ्लैजिला या सीलिया में पाया जाता है, right? उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो ये रीजन है, क्योंकि पेलिकल डबल मेम्ब्रेन है, तो पहला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज फाउंड टू बी कंटिन्यूड विद द सीलियरी रीजन, और जो दूसरा मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन that is found towards the ectoplasm, right? So this is the ectoplasmic region, ecto
प्लाज्मिक रीजन, यहाँ पे मैंने ट्राइकोसिस्ट पढ़ा था, दीज आर दी बॉटल शेप ट्राइकोसिस्ट जो कि ऑफेंस एंड डिफेंस के काम आते हैं, इट इज फिल्ड विद सर्टेन फ्लूइड, दिस इज द ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं इनको हम कहते हैं काइनेटोडेस्मा, काइनेटो डेस्मा, और वही ये जो बेसल बॉडीज है, दीज बेसल बॉडीज आर काइनेटोसोम हैविंग 9+2 अरेंजमेंट। तो इस तरीके से जो हमारी सीलियरी रीजन है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम है, वो वर्क करती है और प्रेजेंट होती है इनसाइड दिस लेयर, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट इंफ्रासीलियरी रीजन, होप यू आर अंडरस्टूड, ऑल द बेस्ट।